हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस दही बड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, और ये दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। फ्रेंड्स, अक्सर दही बड़े बनाने के लिए हमें रात को दाल भिगोनी पड़ती है, कम से कम 3 से 4 घंटे दाल भिगोनी पड़ती है, तभी हमें इस तरीके के देखिए सॉफ्ट दही बड़े मिलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आप विश्वास करेंगे, ये दही बड़े मैंने सिर्फ 15 मिनट में बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही स्पंजी हैं, और मैं आपको इस वीडियो में दही बड़े का प्रीमिक्स भी बनाना बताऊंगी, जो कि आप यूज़ करके कभी भी सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलती रहे, और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, ये टेस्टी और डिलीशियस से दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल प्रिपेयर करनी होगी। इसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने गीला टावल ले लिया है। मैं आपको आज क्विक मेथड बता रही हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बहुत ही साफ सुथरे टावल को अच्छे से गीला कर लिया और इस तरीके से डबल लेयर कर लिया है। अभी हम दाल को इससे पोंछेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आज मैं दही बड़े बनाने के लिए टाटा संपन्न की उड़द दाल ले रही हूँ। यह हाई इन प्रोटीन होती है और बिना पॉलिश की हुई दाल है, जो कि बहुत ही अच्छी रहती है। वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो यहाँ पे उड़द दाल है, इसको मैं ले रही हूँ 1 कप नाप के। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से नाप के 1 कप लिया है। इसमें कम से कम आपके 15 से 20 दही बड़े बन जाएंगे। तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, कपड़े के, गीले कपड़े के अंदर। मैंने यहाँ पे टावल का इस्तेमाल किया है, इसको अच्छे से फैला देंगे और इसको हम पोंछ लेंगे अच्छे से 2 से 3 बार इस तरीके से। देखिए, अच्छे गीले टावल में रगड़ रगड़ के हम इसको पोंछ लेंगे, ताकि इसके ऊपर की मैल निकल जाए। आप एक बार रगड़ने के बाद अच्छे से टावल को वापस से भिगो के और साफ़ कर लीजिए, उसके बाद दोबारा से दाल उसमें डाल के पोंछ सकते हैं। तो ऐसे 2 से 3 बार कर लीजिए, आपकी दाल अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से क्लीन हो जाएगी। ये प्रोसेस करने से फ्रेंड्स, आपकी जो दाल है वो गीली भी नहीं होगी, आपको भिगोनी भी नहीं पड़ेगी, और क्लीन तो हो ही जाएगी। तो ये इस तरीके से देखिए, मैंने एक बाउल में निकाल लिया है दाल को, मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, कम से कम 2 बार क्लीन किया है मैंने इसको। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है हमारी दाल, और ज़्यादा भीगी भी नहीं है। अगर दाल को आप भिगोएंगे या धोएंगे तो बहुत ज़्यादा भीग जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ्रेंड्स एक कढ़ाई ले ली है। अभी चलिए हम प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं दही बड़े के लिए। तो इसके अंदर मैं दाल डाल दूंगी हमारी, जो अच्छे से हमने पोंछ ली है, साफ़ कर ली है, और इसको हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे, लेकिन लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। हमें दाल को ब्राउन नहीं करना है, जलाना नहीं है, हमको दाल को अच्छे से सुखाना है, बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। तो इस प्रोसेस में कम से कम फ्रेंड्स 5 मिनट लगेंगे, और आपको कंटिन्यू चलाते जाना है। तो पहले तो दाल सूखेगी, उसके बाद थोड़ी सी और ड्राई रोस्ट करना है हमें इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दाल अच्छे से रोस्ट हो गई है। मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में, हल्का सा हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं मिक्सी जार में डाल देती हूँ, और ये हल्की सी ठंडी हो गई है ऑलरेडी, तो मैं इसको मिक्सी जार में डाल देती हूँ, और अब इसको हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने पीस लिया है, देखिए इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बन गया है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर बस हम थोड़े से मसाले और मिलाएंगे, और इसको आप एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपकी दही बड़े का प्रीमिक्स तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं मसाले के तौर पर मिला रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाला है, और इसके बाद इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी, और इतना ही आप डाल के और बस आपका प्रीमिक्स तैयार है। बेकिंग पाउडर भी मैं 2 चुटकी के करीब डाल रही हूँ इसमें, ये आपका प्रीमिक्स तैयार है। लेकिन अभी हम इसके दही बड़े अभी के अभी बना रहे हैं, तो इसमें मैं नॉर्मल टेम्परेचर का 1 कप के करीब पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लिया, इसको पीस लिया है, ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। इसको हम अच्छे से और मिक्स करेंगे, और थोड़ा सा पानी और डाल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी और अच्छे से मिक्स करूँगी। तो आप चाहें तो ड्राई जो मैंने पाउडर बताया उसको आप मिक्स करके और रख सकते हैं एयर टाइट डब्बे में, कम से कम आपके 2 से 3 महीने बहुत ही अच्छे से चल जाएगा। और आप देख सकते हैं, मैं बैच बाय बैच इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, और इसको मैंने मिक्स कर लिया है।
इस तरीके से आप हाथ से भी कर सकते हैं मिक्स। मैंने यहाँ पे मिक्सी का इस्तेमाल किया है, ये इजी रहता है। और अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने ग्लास भर के पानी लिया है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा दही बड़े का मिक्स डाल रही हूँ। ये देखिए ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब हमारी दाल है जो वो अच्छे से फिट गई है। और ये अब जो हम दही बड़े बनाएंगे वो स्पंजी बनेंगे, उनमें एयर अच्छे से भरेगी। तो ये आपका टेस्ट, अगर आपका दही बड़े का घोल पास कर जाता है तो इसका मतलब आपके दही बड़े बहुत अच्छे बनेंगे। ये टेस्ट जरूर कीजिएगा। और अभी इसके अंदर मैं देखिए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, आप ड्राई फ्रूट्स स्किप भी कर सकते हैं, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं दही बड़े में। तो ये हमारा मिक्स तैयार हो गया है, ऐसे हाथ से हम तेल में डालते जाएंगे हमारे दही बड़े। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑयल है, मीडियम हॉट ऑयल लेना है हमको, बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं लेना है। और इस तरीके से देखिए हाथ से मैं इसके अंदर दही बड़े डाल दूंगी, आप चाहें तो चम्मच का यूज़ भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं दही बड़े डाल रही हूँ वो फटाफट से तैरने लग जा रहे हैं, इसमें ऊपर से उठने लग जा रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो दही बड़े का मिक्स है इसको हमने अच्छे से फेंटा है। मैंने यहाँ पे मिक्सी का यूज़ किया है, आप चाहें तो हाथ से या चम्मच से या फोक से भी फेंट सकते हैं इसको। फेंटने से दही बड़े बहुत ही लाइट और एयरी बनते हैं। और इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल किया है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्पंजी दही बड़े बनेंगे हमारे। इनको मीडियम आंच पे हम फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं, अभी इनको अब हम भिगोएंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी दही बड़े बनेंगे, मीडियम आंच पे फ्राई कीजिएगा इनको। और ये जो रेसिपी है ये मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ, मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ, और जब भी मेहमान आने वाले होते हैं या स्पेशली दही बड़े खाने की इच्छा होती है तो मैं इस तरीके से दही बड़े फटाफट से बना के तैयार कर लेती हूँ। और इसके लिए हमको दाल भी भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए हमारे दही बड़े फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है इनका। और यहाँ हम फटाफट से नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में इसको डाल देंगे, और आप चाहें तो इस पानी के अंदर हींग भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया है क्योंकि दही बड़े में ही हमने हींग डाल दी है। और एक एक करके हम इसके अंदर दही बड़े डालते जाएंगे, और आप देख सकते हैं पहले वाले दही बड़े फूल गए हैं थोड़े से, और अब मैं दूसरे वाला बैच डाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दही भी तैयार कर ली है, हमारे दही बड़े कम से कम 15 मिनट के लिए अच्छे से भीग गए हैं, सॉफ्ट और स्पंजी हो गए हैं। मैंने यहाँ प्याले में निकाल लिए हैं, ऊपर से हम मीठी और फैटी हुई दही डाल रहे हैं। इस दही के अंदर मैंने चीनी को मिक्स किया है और फेंट लिया है, और इसके बाद हम चटनी लगा देंगे ऊपर से। चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे मैंने सौंठ वाली चटनी लगाई है, इसके बाद मैं हरी चटनी भी डाल रही हूँ ऊपर से, बहुत ही टेस्टी लगती है, सीरियसली बहुत मज़ा आता है खाने में। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा भुना पिसा जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा काला नमक डाल रही हूँ, और ये इस बहुत टेस्टी लग रहा है अभी से। लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चिली भी डालूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, और ये हमारे बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बिल्कुल बाजार जैसे स्पंजी सॉफ्ट दही बड़े बनके तैयार हैं। देखिए पास से देखिए बहुत टेस्टी लग रहे हैं। दही बड़े इज़ वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी और मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल स्पंजी हैं, और आप देख सकते हैं स्पंज अंदर हवा भर जाती है इनके बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा और भी टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक्स दिए हैं, ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बना के इंजॉय कर सकें। कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।